नमस्कार, विकीबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। यूएई में बसे हजारों लोगों को नए हिंदू मंदिर की पहली झलक मिली। इस मंदिर में 16 भगवान की मूर्तियां हैं। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी ओपनिंग बाकी है। तो अमेरिका के वर्जीनिया में एक छोटी सी गिलहरी के कारण 10,000 घरों और 2 स्कूलों की बिजली चली गई। वहीं पूर्वी भूमध्य सागर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव इस कदर तक बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरों को खुली धमकी दे रहे हैं। तो उधर भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसके बाद चीन में खाद्य संकट पैदा हो गया है। इस बीच बलूचिस्तान इलाके के एक छोटे से गांव के हिंदुओं ने जो मानवता की मिसाल पेश की है, यहां के हिंदुओं ने तमाम बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने मंदिर का दरवाजा खोल दिया, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रांकपा सुप्रीमो शरद पवार बीते कुछ वक्त से मुश्किल में घिरे दिख रहे हैं। कुछ महीने पहले उनके प्रयासों से बनी महाविकास आघाड़ी सरकार एकनाथ शिंदे की बगावत के चलते गिर गई थी। इसके अलावा उनकी पार्टी एनसीपी में भी ऑल इज वेल जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। इस कयास को तब और बल मिल गया जब दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अजित पवार ने बागी तेवर दिखा दिए। अजित पवार ने जयंत पाटिल का नाम वक्ता के तौर पर बुलाए जाने के ऐलान के साथ ही मन छोड़ दिया। उन्हें जयंत पाटिल के बाद बोलना था, लेकिन वह वापस ही नहीं लौटे। इस तरह मंच पर शरद पवार की मौजूदगी में अजित पवार के इस रूख को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पार्टी में फूट होने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि शरद पवार के समापन भाषण से पहले अजित पवार संबोधित करेंगे, लेकिन वह मंच से ऐसे उठे कि फिर लौटे ही नहीं और उनका इंतजार होता रहा। मन से ही कहा गया कि अजित पवार टॉयलेट में है, लेकिन वह देर तक नहीं आए और जब लौटे भी तो शरद पवार का समापन भाषण चल रहा था। अजित पवार जब मन से उठकर गए थे तो उस वक्त उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की थी। इनके इस रूप को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। शिंदे और उद्धव गुट की लड़ाई अब हाथापाई पर उतर आई है। इसका सबूत कल हुई झड़प है, जिसमें शिंदे गुट के एक विधायक समेत 30 लोगों पर हमले दर्ज हुए। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि दोपहर में हुई जमानत पर जाने दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर है कि मुंबई के न्यू प्रभा देवी इलाके में 12:30 बजे शिंदे गुट के सदस्य संतोष तलवने पर कथित तौर पर 30 लोगों ने हमला कर दिया। दोनों गुटों के बीच दादर इलाके में झड़प होने की जानकारी सामने आई थी। इसके चलते पुलिस ने उद्धव गुट के समर्थकों के खिलाफ दंगा का मामला दर्ज किया है। शिंदे कैंप के विधायक सदा सर्वेकर समेत 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा सर्वांकर और उनके समर्थकों के खिलाफ दंगा करने और आर्म्स एक्ट को लेकर एक और FIR दर्ज कराई गई है। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे कैंप के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शनिवार को गणेश विसर्जन के बाद दोनों समूहों के कार्यकर्ताओं में बहस हो गई। सावंत ने सर्वांकर पर दूसरे गुट को गाली देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हमारे कार्यकर्ता दादर पुलिस स्टेशन गए तो उनकी शिकायत स्वीकार नहीं की गई। इधर शिंदे गुट ने आरोपों को बचकाना बताया है। बीजेपी ने एनसीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो क्लिप शेयर कर शरद पवार की आलोचना की है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में पवार साहब की असली पहचान शहंशाह के तौर पर है। बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए जाने के बाद दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में शरद पवार ने सभी गैर भाजपा दलों से केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली के शासकों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। इससे पहले जैसे ही पवार मंच पर पहुंचे, उत्साही कार्यकर्ताओं ने अजीम शो ऑन शहंशाह गाना बजाया। दरअसल यह गाना सम्राट अकबर की प्रशंसा से जुड़ा है, जिस वजह से बीजेपी को पवार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। महाराष्ट्र बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि मरहबा जनाब शरद पवार साहब, अजीम ओ शान शहंशाह, फुरवार आवा, हमेशा हमेशा सलामत रहे। दिल्ली में शहंशाह रही पवार साहब की असली पहचान है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंच पर शहंशाह की तारीफ हो रही है। राज्य में महाराज के नाम पर राजनीति करते हैं और गुणगान सिर्फ शहंशाह का करते हैं। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में बारामती में घड़ी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उनकी पार्टी इस सीट पर कब्जा कर लेगी।
शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा पर लगातार निशाना साध रही है। नए अंक में शिवसेना ने कहा कि भाजपा की आत्मा मर चुकी है और उसकी जगह एक राक्षस ने ले ली है। याकूब को लेकर हम फडणवीस को भी पिंजरे में डाल सकते हैं। कब्र की रोशनी की जांच होनी चाहिए। जब शिवसेना दंगों से जूझ रही थी तब भाजपा कहा थी। इससे पहले भी शिवसेना ने सामना के जरिए एक बड़ा दावा किया था जिसमें कहा था कि गुजरात दंगों में आरोपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एनसीपी चीफ शरद पवार ने मदद की थी। शरद पवार ने ही गौंधरा कांड में अमित शाह को जमानत दिलवाई थी। इस दावे के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्मा गया है। हालांकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस दावे को खारिज कर दिया। बहरहाल शिवसेना ने सामना में यह भी कहा था कि अमित शाह आप ऐसे ही बोलते रहिए, मराठा उठेगा जरूर। बता दें कि अमित शाह ने शिवसेना को गाड़ने और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की बात कही थी। अब उन्होंने मुंबई पर नियंत्रण करना है। शाह ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सामना में पूछा गया कि शिवसेना किस लिए टूटी, इसका जवाब भाजपा को भी देना चाहिए। कम से कम अपने अंदर तो भाजपा झांक कर देख ले, न किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी और न ही हमें आमने सामने आना पड़ेगा। प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार बरसात होने से बाढ़ जैसे हालात है। आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। औरंगाबाद में भारी बारिश के बीच तीन महिलाएं देवगिरी नदी में कपड़े धोने गई थी। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया जिससे वे पानी में बह गई। अच्छी बात यह रही है कि बाद में कई दिक्कतों के बीच दो महिलाओं को सुरक्षित बचाया जा सका। हालांकि एक की तलाश जारी है। पुणे में भी भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। गढ़चिरौली में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण 40 गांवों का संपर्क टूट गया है। कहा जा रहा है कि भामरागढ़ तहसील का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। भामरागढ़ तालुका के लगभग 40 गांवों की हालत टापू जैसी हो गई है। अमरावती में भी लगातार बारिश होने से जनजीवन पर असर पड़ा है। जिले के सांदूर रेलवे तालुका में कई नदियों में बाढ़ आ गई है। कुछ गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सांदूर से राजूरा मार्ग को बंद किया गया है। नागपुर में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बरसात के कारण कई जगहों पर पेड़ों की शाखाएं टूट गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार राज्य के कई जिलों में आने वाले 2-3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। पुणे, कोल्हापुर, कोंकण, सातारा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बेंगलोर में एक डॉक्टर ने डॉक्टरी पेशे की विशाल कायम की है। दरअसल सर्जरी के लिए जा रहे डॉक्टर की कार भीषण ट्रैफिक में फंस गई तो 3 किलोमीटर तक दौड़ते हुए वे अस्पताल पहुंचे। वही द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कल नरसिंहपुर जिले के परमहंसी आश्रम में निधन हो गया। आज उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की तैयारियों के बीच अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा करने वाले दलों की जमकर खिंचाई की और कहा कि वो लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। इसी बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के तैयारी में जुटी बसपा को झटका लगा है। दर्जन भर जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तो उधर राहुल गांधी फिर निशाने पर है। खबर है कि क्रांतिकारियों के सम्मान कार्यक्रम में उनके नहीं पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन को माफी मांगनी पड़ी। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेंगलुरु के डॉक्टर गोविंद नंद कुमार ने डॉक्टरी पेशे की मिसाल कायम की है। दरअसल सर्जरी के लिए जा रहे डॉक्टर की कार भीषण ट्रैफिक में फंस गई और वे पहले से तय पित्ताशय की थैली की सर्जरी करने के लिए जा रहे थे। मौके की नजाकत को भाम डॉक्टर ने खुद की परवाह किए बिना ट्रैफिक के बीच पैदल ही दौड़ लगा दी। नंद कुमार ने बताया कि ट्रैफिक खत्म होने के इंतजार में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे मरीजों को सर्जरी खत्म होने तक भोजन करने की इजाज़त नहीं है। मैं उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं कराना चाहता था। मुझे कनिघम रोड से सरजापुर के मणिपाल अस्पताल पहुंचना था। भारी बारिश और जलभराव के कारण अस्पताल से कुछ किलोमीटर आगे यातायात का पूरी तरह से ठप था। लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल पहुंचने के लिए मैंने 45 मिनट तक दौड़ लगाई। बता दें कि मणिपाल अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जन डॉक्टर गोविंद नंद कुमार पिछले 18 वर्षों से महत्वपूर्ण सर्जरी कर रहे हैं और अब तक 1000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके। वह पाचन तंत्र की सर्जिकल समस्याओं से निपटने में एक्सपर्ट है। वह गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक से ट्यूमर और क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने से संबंधित सर्जरी करने में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं।
द्वारका पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कल नरसिंहपुर जिले के परमहंसी आश्रम में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शाम 4 बजे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। इसे लेकर सारी तैयारी वहां पूरी हो गई है। भू समाधि के साथ साथ ही उनके उत्तराधिकारी की घोषणा होगी। हिंदू संत में निधन के बाद संस्कार के अलग अलग परंपरा है। शंकराचार्य निधन के बाद भू समाधि लेते हैं। दरअसल सनातन संस्कृति में साधु संतों का संस्कार 4 तरीके से होता है। बड़े संत भू समाधि ही लेते। सनातन परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में बच्चों की मौत के बाद उन्हें दफनाया जाता है, वही साधुओं को समाधि दी जाती है। इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं हैं कि साधु और बच्चों का मन और तन निर्मल होता है, दोनों में आसक्ति नहीं होती है। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है कि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा का ओरा लिए हुए होता है। कोशिश रहती है कि उनकी समाधि उनके गुरु के पास ही हो। इसके लिए पहले स्थान का चयन किया जाता है। भू समाधि के दौरान संतों को पद्मासन या सिद्धि आसन में बैठा कर जमीन के अंदर दफनाया जाता है। बहुत से संतों को गंगा में जल समाधि देने की परंपरा रही है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की तैयारियों के बीच अनुच्छेद 370 की बहाली का वादा करने वाले दलों की जमकर खिंचाई की और कहा कि वह लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीरी घाटी में अपनी पहली रैली में उन्होंने कहा कि केवल सांसद में 2/3 बहुमत वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली सुनिश्चित कर सकती है। आजाद का इशारा गुपकार गठबंधन और कांग्रेस की ओर है, जिन्होंने आजाद के 370 पर बात न करने पर सवाल उठाए गए थे। चुपकर गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPAM और आवामी कांग्रेस और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। आजाद ने पिछले महीने कांग्रेस छोड़ने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी पहली रैली कहा कि आजाद जानता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। मैं या कांग्रेस पार्टी या 3 क्षेत्रीय दल आपको अनुच्छेद 370 वापस नहीं दे सकते हैं। नहीं TMC प्रमुख ममता बनर्जी या DMK या NCP प्रमुख शरद पवार, मैं बताना चाहता हूँ कि आजाद चुनावी फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ नहीं बताता है। अल्लाह के समक्ष कसम खाता हूँ कि मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा। मैं ऐसे नारे या मुद्दे नहीं उठाऊँगा जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटी बसपा को झटका लगा है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठा दर्जन भरा जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित बसपा नेताओं को बाउंसरों की मदद से पार्टी कार्यकाल से बाहर निकाला गया। मीटिंग में प्रदेश प्रभारी बसपा रामजी गौतम और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दर्जन भर जिला कार्यकारिणी सदस्य ने प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि गौतम का कहना है कि इन नेताओं को पहले ही पदों से हटा दिया गया था। पूरे मामले को लेकर प्रदेश कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। त्यागपत्र देने वाले नेताओं का कहना है कि उन्हें कभी किसी पद से नहीं हटाया गया। कथित इस्तीफाओं में नेताओं ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष पर पंचायत चुनाव में टिकट के बदले पैसा मांगने, मनमानी से टिकट देने और वरिष्ठ नेताओं भेदभाव करने के आरोप लगाए। नाराज नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी हित में काम नहीं कर रहे हैं, मनमाने फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रोज नए विवाद सामने आ रहे हैं। अब पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की एक कार्यक्रम से गौर मौजूद भी सवालों के घेरे में आ गई है। खबर है कि क्रांतिकारियों के सम्मान कार्यक्रम में राहुल के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन को माफी मांगनी पड़ी। इससे पहले विवादों में रहने वाले पादरी से मुलाकात को लेकर भी कांग्रेस नेता पर सवाल उठे थे। रिपोर्ट के अनुसार केरल के 2 क्रांतिकारियों गांधीवादी KE मेमन और पद्मश्री P गोपीनाथन नायर के स्मारक का अनावरण होना था। यह कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम स्थित निम्स अस्पताल में किया जाना था। खबर है कि परिवार की तरफ से केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरन की मौजूदगी में राहुल को निमंत्रण भी दिया गया था। सेनानियों के इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए सुधाकरन, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता MM हसन और स्थानीय सांसद शशि थरूर निम्स अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन राहुल नहीं पहुंचे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख का वीडियो वायरल हो गया।
जिसमें वह परिवार के सदस्य से माफी मांगते नजर आ रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने पादरी जॉर्ज पोनैया से चर्च जाकर मुलाकात की थी। इस पर भाजपा ने जमकर सवाल उठाए थे। राकांपा सुप्रीमो शरद पवार बीते कुछ वक्त से मुश्किल में घिरे दिख रहे हैं, तो शिंदे और उद्धव की लड़ाई अब हाथापाई पर उतर आई है। वही बीजेपी ने एनसीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो क्लिप शेयर कर शरद पवार की आलोचना की है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में पवार साहब की असली पहचान शहनशाह के तौर पर है, तो उधर शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा पर लगातार निशाना साध रही है। नए अंक में शिवसेना ने कहा कि भाजपा की आत्मा मर चुकी है और उसकी जगह एक राक्षस ने ले ली है। इसी बीच प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। औरंगाबाद में 3 महिलाएं देवगिरी नदी में बह गई। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूएई में बसे हजारों लोगों को नए हिंदू मंदिर की पहली झलक मिली। इस मंदिर में 16 भगवान की मूर्तियां हैं। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी ओपनिंग बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मंदिर में सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोग जा सकते हैं। अगस्त महीने के अंत में यहाँ सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को भी रखा गया है। यह मंदिर पूजा गांव के तौर पर मशहूर जबेल अली में स्थित है। यह वह जगह है जहाँ पर कई चर्च और गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा स्थित है। 1 सितंबर को इस मंदिर को अनौपचारिक तौर पर खोला गया है। मैनेजमेंट की तरफ से QR कोड आधारित एम्प्लॉयमेंट बुकिंग सिस्टम सक्रिय किया गया है। वेबसाइट के जरिए इस QR सिस्टम का प्रयोग कर दुबई के हिंदू मंदिर के लोगों ने दर्शन किए। पहले दिन से ही मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। खासतौर पर वीकेंड पर मंदिर में इस समय सिर्फ मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। 14 पंडित इस मंदिर में मंत्रों को पढ़ रहे हैं और ये सभी पंडित भारत से गए हैं। सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। दर्शनार्थियों को भी इस मंत्रोच्चारण में हिस्सा लेने की अनुमति है। मंदिर 5 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर बाकी जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वर्तमान समय में दर्शन सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही है। अमेरिका के वर्जीनिया में एक छोटी सी गिलहरी के कारण 10,000 घरों और 2 स्कूलों की बिजली चली गई। मामला वर्जीनिया बीच के एक कस्बे कैंपस विले का है। इस इलाके में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी के सबस्टेशन की बिजली सप्लाई में फॉल्ट आ गया और इसके इलाके में करीब 1 घंटे तक लोग बिना बिजली के परेशान रहे। बिजली विभाग ने माफी जदोजहद के बाद समस्या को दूर कराया और बिजली सप्लाई सुचारू हो सकी। दरअसल सुबह के वक्त एक गिलहरी सबस्टेशन के सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर के बीच घुस गई थी, जिससे स्पार्क हुआ और ट्रांसफार्मर बंद हो गया। इससे गिलहरी की भी मौत हो गई। ट्रांसफार्मर बंद होने से पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई और इससे एक बड़ी आबादी के लिए संकट खड़ा हो गया। बिजली कर्मचारियों को इस फॉल्ट को ढूंढने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। बिजली सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ने बताया कि सबस्टेशन में जीव जंतुओं को घुसने से रोकने के लिए जालियां लगाई गई है, लेकिन इस बार पता नहीं गिलहरी कैसे अंदर चली गई और पलके झपकते इतना नुकसान पहुंचा दिया। गिलहरी के कारण अमेरिका में पहले भी बिजली बाधित हो रही है। एक ऊर्जा फार्म एंटरंगी ने पाया था कि साल 2020 में गिलहरी के कारण 5 राज्यों में बिजली बाधित हो चुकी थी। पूर्वी भूमध्य सागर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव इस कदर तक बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। इस बीच ग्रीक तट रक्षक जहाजों ने एजियन सागर में एक मालवाहक जहाज में आग लगा दी है। तुर्की तट रक्षकों का कहना है कि ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नौकायन कर रहा था। तुर्की तट रक्षक दल द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बोसकाडा के तुर्की द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 11 समुद्री मील की दूरी पर 2 ग्रीक तट रक्षक जहाजों ने फायरिंग की और एक मालवाहक जहाज में आग लगा दिया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अंकारा में यूनानी दूतावास को कॉल का जवाब नहीं मिला और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये गोलीबारी क्यों की गई। वैसे दोनों ही देश बीते कुछ समय से विवादों के घेरे में हुए हैं और हाल के हफ्ता ने दोनों ही देशों ने एक दूसरे को धमकियां दी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। इससे पहले तुर्की ने धमकी दी थी कि वह अपने पड़ोसी ग्रीस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तुर्की का कहना है कि ग्रीस के तुर्की एजियन तट के करीब द्वीपों पर सैन्य उपस्थित रखकर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तोड़ रहा है। बता दें कि इस साल ग्रीस और तुर्की के बीच 1919 और 1922 के बीच हुए युद्ध को 100 साल पूरे हो गए हैं। भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है और मोदी सरकार का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जिसके बाद चीन में खाद्य संकट पैदा हो गया है। चीन के संकट से बचने के लिए खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को काफी तेज कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि वो बहुत बड़े खाद्य संकट में फंस सकता है। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है और चावल निर्यात पर पाबंदी लगाने का सीधा असर उसी पर हो रहा है। मोदी सरकार के फैसले के मुताबिक भारत ने सफ़ेद और भूरे चावल के निर्यात पर 20% शुल्क भी लगा दिया है, जिसका असर भारत के कुल चावल निर्यात के 60% हिस्से पर पड़ेगा। हालांकि उबले चावल और बासमती चावल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जो वैश्विक चावल व्यापार का 40% हिस्सा है। भारत 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करता है और पूरी संभावना है कि भारत सरकार के चावल पर लगाए गए प्रतिबंध का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा और ज़्यादातर देशों में चावल की कीमत में भारी उछाल आएगा। खासकर कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन संकट के बाद काफ़ी महंगे दर पर गेहूँ खरीदने के लिए मजबूर हुए हैं। अब उन्हें चावल का आयात भी उच्च दरों पर करना होगा। पाकिस्तान में लाखों लोग प्रलयकारी बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें से अधिकतर किसी भी आवश्यक सहायता से वंचित रह गए। ऐसे में बचुलिस्तान इलाके के एक छोटे से गांव के हिंदुओं ने जो मानवता की मिसाल पेश की है, यहां के हिंदुओं ने तमाम बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने मंदिर का दरवाजा खोल दिया, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। यहां तक कि लाउडस्पीकरों से बाढ़ पीड़ितों से कहा गया कि वह मुसीबत में है तो मंदिर का दरवाजा उनके लिए खुल चुका है, जहां वह अपने मवेशियों के साथ आकर शरण ले सकते हैं। इस मंदिर में करीब 200 से 300 शरणार्थियों ने शरण लिया, जिनमें से अधिकतर मुसलमान हैं। इन सारे लोगों और इनके मवेशियों की जिम्मेदारी हिंदुओं ने अपने कंधे पर उठा रखी थी। दरअसल बचुलिस्तान इलाके के कच्ची जिले के जलाल खान गांव है, जहां बाबा माधोदास मंदिर है। कहा जाता है कि बाबा माधोदास भारत विभाजन के पहले के हिंदू संत थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर सम्मान प्राप्त था। उनकी याद में बना बाबा माधोदास मंदिर काफी विशाल है, कंक्रीट से बना हुआ है। यह काफी ऊंचाई वाली जमीन पर स्थित है, इसलिए बाढ़ के पानी से आमतौर पर सुरक्षित रह गया। जलाल खान गांव के ज्यादातर हिंदू दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में जा चुके हैं, मगर कुछ हिंदू परिवार मंदिर परिसर में ही रहते हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं। तो बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।